हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अचीवमेंट पर मैं करुणा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पेंटिंग का सैम्पल पेपर जो इशू किया है बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने। इसके अकॉर्डिंग आपकी टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा होनी है। इस पेपर को हम अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पेपर करने से पहले हमको जो निर्देश दिए होते हैं उस निर्देश को हमें देखना है। तो सबसे पहले आपका पेपर एक घंटे का होगा, आपको सिर्फ 60 मिनट दिए जाएंगे। 15 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रश्न में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में 12 प्रश्न होंगे जिसमें से कोई भी 10 आप कर सकते हो। इसी तरह खंड बी में भी 12 प्रश्न होंगे जिसमें से कोई 10 आपको करने हैं, और खंड सी में 6 प्रश्न होंगे जिसमें से कोई 5 आप कर सकते हो। सभी प्रश्न के जो अंक हैं वो समान हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर के लिए नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि 12 प्रश्न में से सिर्फ 10 ही आपको करने हैं। अगर आप 11 या 12 प्रश्न भी कर देते हो, वो सही होता है तो वो आपका काउंट नहीं होगा, और उसके ऊपर वाला अगर कोई गलत है तो वो गलत ही काउंट किया जाएगा। खंड ए पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ कब माना जाता है। ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, एडी से यहाँ पे मतलब है ईस्वी, 15वीं शताब्दी। ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। तो इसके अंदर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर दो, नाथद्वारा पेंटिंग में दर्शाया गया विषय था। ऑप्शन ए राधा और कृष्ण के प्रेम दृश्य, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी दैनिक जीवन या ऑप्शन डी स्टोरी चित्रण। तो यहाँ पर था आपका सही आंसर ऑप्शन ए, नाथद्वारा पेंटिंग में श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है जिसमें राधा और कृष्ण प्रेम भी एक विषय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन पर आ जाते हैं, भारत सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध राजस्थानी पेंटिंग पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया था। हम साथ के साथ टिक लगाते चलते हैं। पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन ए एंड तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध राजस्थानी पेंटिंग पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया। तो ए चौगान खिलाड़ी, दूसरा मारू रागनी, सी राधा बनी ठनी और डी कृष्ण झूले पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राधा बनी ठनी। क्वेश्चन फोर है, पिछवाई कला कहाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नाथद्वारा और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाथद्वारा, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी मुगल शैली, ऑप्शन सी पहाड़ी शैली या ऑप्शन डी गढ़वाली शैली। तो कांगड़ा शैली एक हिस्सा है पहाड़ी शैली का, इसका होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नैन शुक किस शैली के चित्रकार हैं। पहला कांगड़ा, दूसरा गुलेर, तीसरा बसोली और चौथा गढ़वाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुलेर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, पहाड़ी शैली मुख्यतः किससे प्रभावित थी। पहला मुगल शैली से, राजस्थानी शैली से और ऑप्शन बी सांसारिक शैली से, ऑप्शन सी विलासिता से प्रेरित थी या ऑप्शन डी बंगाल शैली से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल शैली और राजस्थानी शैली। आपका क्वेश्चन नंबर एट है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अबुल समद सिराजी, ऑप्शन बी अबुल हसन, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी अबुल रजा। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी पर, अबुल फजल। ये फजली है, इससे कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त रंग किससे बने थे। पहला खनिज रंग, बी रसायन रंग, सी मिट्टी और डी फूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फूल।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी बीदरी, ऑप्शन सी बीरड़ा और ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि नुजूम उल उलूम में कितने लघु चित्र थे? देखिए काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए 896, ऑप्शन बी 886, ऑप्शन सी 876 और ऑप्शन डी 866। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 876। क्वेश्चन नंबर 12, गोलकुंडा में किस शैली का विकास हुआ? पहला दक्षिणी शैली, डेक्कन शैली इट मीन्स दक्षिणी शैली, ऑप्शन बी मुगल शैली, ऑप्शन सी पाल शैली और ऑप्शन डी जैन शैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेक्कन या फिर दक्षिणी शैली। अब आ जाते हैं हम खंड बा पर। खंड बा भी 12 में से 10 आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना होती है? ए सूफियाना, बी धुंधला, सी आकर्षक और डी मिश्रित। तो इसका सही आंसर होगा सी आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 14, किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अमरू, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन, ऑप्शन सी भवानी चांदो और ऑप्शन डी भी चांडी। तो इसका सही आंसर है रुकनुद्दीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, साहबदीन मेवाड़ के एक दरबारी चित्रकार थे, उनके द्वारा चित्रित अपने पाठ्यक्रम की पेंटिंग का नाम बताइए। ऑप्शन ए मारुरागनी, ऑप्शन बी राधा बनी ठनी, ऑप्शन सी चौगान खिलाड़ी और ऑप्शन डी ढूले कृष्ण झूले पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मारुरागनी। क्वेश्चन नंबर 16, किस शैली में रेखाएं रंगों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी एम्ब्रेंट शैली और ऑप्शन डी जयपुर शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा शैली में महिलाओं की आंखें किस रूप में बनाई जाती हैं? पहला बड़ी आंखें, दूसरा मछली शैली में, तीसरा लाइक परवल या फिर डी धनुष के रूप में लंबी और संकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनुष के रूप में लंबी और संकरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बसोली शैली में किस विषय को सबसे अधिक चित्रित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है बारामासा, दूसरा रागमाला, तीसरा नायिका भेद या मुग्धा नायिका और ऑप्शन डी है धार्मिक पुस्तकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नायिका भेद और मुग्धा नायिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजपूत शैली के चित्रों को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी राजस्थानी या हिंदू शैली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थानी या हिंदू शैली। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, राजपूत शैली जो राजस्थानी शैली को नाम दिया था वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को अपनी एक बुक राजपूत पेंटिंग्स में दो डिफरेंट नामों के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई गई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहजाद, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी मनोहर और ऑप्शन डी मिस्किन। तो बिहजाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बिहजादी लिखा हुआ है, ये बिहजादी एंड बिहजाद एक ही बात को समझें आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी पुस्तक अकबर के पूर्वजों का वर्णन करती है? ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी शाहनामा और डी आइन ए अकबरी। एन ए अकबरी और आइन ए अकबरी एक ही बात है। तो ये है ऑप्शन ए अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनवर ए सुलेही और यूसुफ जुलेखा किसके काल की किंवदंतियां हैं? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी
कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवा कला किस राज्य से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इनके अंदर सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। खंड श्री की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर कोई भी 5 प्रश्न आपको करने हैं 6 में से। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कथनों पर आधारित हैं, अभिकथन ए और कारण आर। पहला है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, ए सत्य हैं लेकिन आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, राजस्थानी पेंटिंग को अगेती से जलाया गया था और आर आकर्षक चमक के लिए एक समान चमक देने के लिए अगेट का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इसका आंसर होगा एक, क्योंकि हम टिक तो लगा नहीं सकते अभी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है एक। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी पेंटिंग वॉशियो पर चित्रित की गई थी, कथन ए, और दूसरा आर वांछित मोटाई प्राप्त करने के लिए वारिश का उपयोग किया गया था। तो इसके लिए भी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर भी होगा वन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग्स नूरदीन द्वारा चित्रित की गई थी और ऑप्शन आर है, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग का सब स्कूल बीकानेर है। तो इसके लिए जाएंगे हम ऑप्शन टू पे, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा आर ए की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर है टू। क्वेश्चन नंबर 28, ए स्वदेशी विषयों के समामेलन के लिए मुगल शैली जिम्मेदार थी, बिल्कुल सही बात है, और आर इस अवधि की कला विदेशी प्रभावों के संश्लेषण को दर्शाती है। ये दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती, इसलिए इसका भी आंसर होगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 29, हाजी मदनी शाहजहां काल के हैं और ऑप्शन आर, हाजी मदनी ने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया। तो हम जाएंगे ऑप्शन तीन पर कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर होगा 29 का आंसर ऑप्शन थ्री, क्योंकि शाहजहां काल के हाजी मदनी थे लेकिन ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसके अंदर हमें मिलान करनी है कॉलम ए और कॉलम बी के उपयुक्त विकल्प के साथ। तो पहला है, पिछवाई का अर्थ है, तो ढूंढना है हमें इसके अंदर। दूसरा, मिस्किन। तीसरा, बनीठनी कमल पकड़े हुए। और चौथा, अनवरे सुलेही। तो पिछवाई का अर्थ है पिछला पर्दा, तो ए का तो हो गया सी। तो फर्स्ट का सी दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन सी में। मिस्किन, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, ये चित्र था मिस्किन का, यानी कि टू का हो गया डी। और तीन, बनी ठनी कमल पकड़े हुए, तो उसने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है, यानी तीन का ए। और अनवर सुलेही और यूसुफ जुलेखा कुली कुतुब शाह के समय की किंवदंतियां हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया अपने मॉडल टेस्ट पेपर जो DOE और CBSE ने अपलोड किया था क्लास 12th पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए,
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियोस को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपके होने वाले सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।